वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। ठीक है, पटवारी दी प्लेलिस्ट विच थोड़ा स्वागत है। ठीक है, अपने ये प्लेलिस्ट विच ट्रायंगल वाला टॉपिक पूरा कवर कर लिया सीगा। ठीक है, आई होप सो थोने भी कवर कर लिया होना। ठीक है, आज आप स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक ट्रायंगल दे नाल नाल अपने एक होर कंप्लीट किया सीगा स्क्वायर। ठीक है, टू डी दे अपने आ दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा रैक्टेंगल। रैक्टेंगल दे भी कोशिश करते हैं जल्दी तो जल्दी कंप्लीट हो जाए। जो दो पार्ट विच कंप्लीट होएगा दो विच कर लांगे, तीन विच कंप्लीट होएगा तीन विच कर लांगे, पर सारा प्रोसैस ते सारे कंसैप्ट डिटेल विच करांगे। ठीक है, तो आ टॉपिक सीगे एंगल हो गया स्क्वायर हो गया, अज रैक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे, उस तो बाद रोमबस पैरलोग्राम ट्रैपीजियम दैन सर्कल, उस तो बाद एक हैगी है मिक्स वरायटी। ठीक है, मिक्स वरायटी ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब मिक्स वरायटी किवें आ जाएगी, सर्कल नू रोमबस बनाता, रोमबस नू रैक्टेंगल बनाता, मिक्स करता सारे नू। ठीक है, तो ओवली वरायटी आ जाती है। रैक्टेंगल पार्ट वन, पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या। देखो थोड़े को एक रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल इक्वल एंड पैरल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो पैरल भी होंगे। जे मैं नाम लिखदा ए ता ए होगा सी डी दे, ए बी बराबर होएगा सी डी दे, ते ए बी जेड़ा हैगा वो पैरलर भी होएगा सी डी दे, ते बी सी बराबर होएगा ए डी दे, ते जेड़ा बी सी हैगा वो पैरलर भी होएगा ए डी दे। ठीक है, वर्टेक्स एंगल किन्ने बनते ने 90 डिग्री दे, सारे एंगल किन्ने होंगे ने 90 डिग्री। ठीक है, वर्टेक्स की होंगे हैगा, साइड की होंगे हैगी, डायगनल की होंगे, यह सारा मैं बेसिक दस चुका डेफिनेशन। ठीक है, तो तुम वो पिछली वीडियो देख सकते हो ट्रायंगल विच, उस दे विच मैंने सारी डेफिनेशन दे रखी है। बार बार डेफिनेशन दसण नाल पता क्या होंगे, टाइम वेस्ट होंगे। ठीक है, तो तुम स्टार्टिंग तो देख लो, उतो सब कुछ पता लग जाएगा। वर्टेक्स एंगल किन्ने होंगे ने 90 90 90, टोटल एंगल हो गया 360। ठीक है, दूसरी आप कहें ब्रेथ, क्लीयर। तो ध्यान सुनना, ये कोई फिक्स नहीं है कि रैक्टेंगल लेंथ ही वड्डी होएगी ब्रैथ नालों, ब्रैथ वड्डी भी हो सकती है। जे मैं रैक्टेंगल इनू पुट्ठा बना दा, जे मैं इस तरह रैक्टेंगल बना दा, तो ये लेंथ छोटी होगी ब्रैथ वड्डी होगी, क्लीयर। तो यह फिक्स नहीं हैगा अपने को कि जी लेंथ हैगी उ सब तो वड्डी होएगी, ब्रैथ भी वड्डी हो सकती लेंथ नालों। ठीक है, तो यदा पैरीमीटर की आ जाएगा अपने को, रैक्टेंगल का पैरीमीटर आ जाएगा अपने को। पैरीमीटर क्या होंगे, जिन्नी भी साइड्स हैगी है उन्हां सारियां दा जोड़, जिन्नी भी साइड्स हैगी अपने कोले उन्हां सारियां नूं तुसीं ऐड कर दो, वो थोड़ा पैरीमीटर आ जाएगा। लेंथ एल, आ बी हैगी, आ भी बी होएगी, आ एल होएगी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी, तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, टू कॉमन कट लो थोड़े को आ जाएगा एल प्लस बी। ये पैरीमीटर हैगा रैक्टेंगल का, क्लीयर। एरिया की होएगा रैक्टेंगल का, तो एरिया तो बच्चे बच्चों को पता रैक्टेंगल का एरिया क्या होंगे, लेंथ गुना ब्रेथ। ठीक है, रैक्टेंगल में एक और चीज़ पूछी जाती है, फेमस है डायगनल। ठीक है, देखो डायगनल किवें बनेगा, जे मैं लिखना, जे मैं आ डी पॉइंट नू करवा दा, डी पॉइंट नू बी नाल मैच करवा दा, एक ही होएगी रैक्टेंगल की डायगनल, तो थानू एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होना। ए बी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल विच आ लेंथ हैगी एल, आ हैगी ब्रेथ, आ राइट एंगल ट्रायंगल हैगा, आ डी बी की हैगी है डायगनल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती हैगी है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर कितना होगा बी स्क्वायर, ए बी कितना हैगा एल स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर, तो डी बी की वैल्यू की आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए डायगनल कितना आ जाएगा अपने को, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये डायगनल का फॉर्मूला आ गया, डायगनल फॉर्मूला की आ गया रैक्टेंगल का, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। बट ध्यान नाल समझना, ये डायगनल का फॉर्मूला आप यूज नहीं करांगे। क्यों नहीं यूज करना? देखो डायगनल रैक्टेंगल की जी डायगनल आई है वो किस तरीके आई है, मैंने राइट एंगल ट्रैंगल का यूज़ किया, ठीक है। तो जे तुम राइट एंगल ट्रैंगल वाली वीडियो देखी होनी, जे नहीं देखी तो अज ही जाके राइट एंगल ट्रैंगल वाली पहला वीडियो देख लो, फिर इसको अगे स्टडी करना, ठीक है। सब तो पहला पिछला जिन्ना भी है वो सारा कवर कर लो, ठीक है। चाहे तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, बिकॉज बिचों बिच वीडियो देखोगे तो थोड़ू भी समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे कि हाँ ये कंसैप्ट उपरों निकल गया या फिर मैं सही नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो पहला राइट एंगल ट्रैंगल की वीडियो जाके देखो। राइट एंगल ट्रैंगल विच मैंने की लिखवाया सीगा, ट्रिपलेट लिखवाए सीगे, वो तीन नंबर जेडे परपेंडिकुलर बेस ते हाइपोटेनियस, वो तीन नंबर जेडे पाइथागोरस थ्योरम नू सैटिस्फाइड करते हैं उसनों आपा कहते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। वो तीन नंबर जेडे पाइथागोरस थ्योरम नू सैटिस्फाइड करते हैं उसनों आपा ट्रिपलेट कहते हैं। तो इंपोर्टेंट ट्रिपलेट भी मैंने लिखवाए सीगे, इंपोर्टेंट ट्रिपलेट भी लिखवाए सीगे, पांच इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट कड़े कड़े सीगे, एक सैकेंड, तीन चार पांच, मतलब मीटर चार सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर, ये ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो ट्रिपलेट का डे वाला वो हाइपोटेन्यूस होता है, इट मीनस वो डायगनल होएगी, क्लीयर। तीन चार पांच का एक हो ट्रिपलेट हैगा, छे अठ दस, ठीक है। एक हो ट्रिपलेट लिखवाया सीगा, छे लिखवाए सीगे, पांच बारह तेरह दस चौबी छब्बी अठ पंद्रह सतारह, अठ पंद्रह सतारह, एक होर लिखवाया सीगा मैंने सत्त चौबी पच्ची। ये राइट एंगल ट्रैंगल के ट्रिपलेट ने, इसका मतलब जो मान लो थोड़े को लेंथ चार हैगी है, ब्रेड्थ तीन हैगी है, तो डायगनल ऑटोमैटिकली कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा। छे अठ दस का मतलब की हैगा, आ दो परपेंडिकुलर ते बेस गिवन ने, आ दस की हैगा अपने को हाइपोटेनियस है, आ दस की हैगा अपने को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब सब तो वड्डी वाली साइड, सब तो वड्डी वाली साइड का मतलब डायगनल। इट मीनस जे लेंथ ते ब्रेड्थ दोनों की वैल्यू छे ते अठ होएगी, दोनों विचों कोई भी छे दूजा अठ होएगा तो डायगनल ऑटोमैटिकली कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। जे लेंथ ब्रेड्थ पांच या बारह होएगा, दोनों विचों अलग अलग वैल्यू कोई भी होएगी तो डायगनल ऑटोमैटिकली तेरह हो जाएगा। जे लेंथ ब्रेड्थ दस चौबी होएगा तो डायगनल छब्बी हो जाएगा। जे लेंथ ब्रेड्थ सत्त चौबी होएगा तो डायगनल पच्ची हो जाएगा। जे लेंथ ब्रेड्थ अठ पंद्रह होएगा तो डायगनल सतारह हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, यही छे ट्रिपलेट कर लो सर जाएगा, एग्जाम विच इस तो बाहर नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम दे देना, ठीक है, इस तो बाहर नहीं आएगा, क्लीयर। ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट ने, ता करके अपना जेड़ा डायगनल का फॉर्मूला है वो आप यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इन्हों ही काम सर जाता है, वो फॉर्मूला यूज़ करने की लोड़ नहीं पड़ती, क्लीयर। आप क्वेश्चन विच भी देखा कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके आप सॉल्व करेंगे ये ट्रिपलेट यूज़ करके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करिए। अपने को द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ 15 हैगी, विड्थ 12 हैगी, एरिया कितना आ जाएगा, 15 गुना क्वेश्चन सीगा, ठीक है। आप पहले इजी इजी क्वेश्चन ही कर दें। सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड एरिया इज 300, फाइंड इज विड्थ। लेंथ कितनी है 12 मीटर, एरिया कितना हैगा मीटर, विड्थ पता करनी है, एल इंटू बी हैगा अपने को, ब्रेथ कितनी 25 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन सीगा। थर्ड, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड पेरीमीटर इज 40 मीटर, फाइंड कितनी है मीटर, पेरीमीटर कितना हैगा 40 मीटर, फाइंड की करना हैगा बी दी वैल्यू, ब्रेथ। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यही लिखवाया सीगा, एदी वैल्यू हैगी है 40, दो थल्ले चला जाएगा 40, लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20, लेंथ दी वैल्यू ऑलरेडी 12 हैगी है तो बी दी वैल्यू की आएगी 20 माइनस 12 8 आ जाएगी, ब्रेड्थ अपने को 8 आ जाएगा। जे ब्रेड्थ 8 आ गया, साढ़े तो ब्रेड्थ नहीं पूछा, एरिया पूछा, एरिया की आ जाएगा अपने को एल इंटू बी 12 इंटू 8, 12 अठे 96, 96 यूनिट की है मीटर, तो यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, 96 मीटर स्क्वायर, क्लियर।
लेंथ दी सी पैरीमीटर दी सी तो इन्हों का यूज़ करके पहले ब्रैथ कट ली तो लेंथ से ब्रैथ मल्टीप्लाई करके एरिया कट लिया। ईजी क्वेश्चन से आवला क्वेश्चन बाय मिसटेक गलत टाइप हो रखे ठीक है तो आवला क्वेश्चन स्किप कर देना। फिफ्थ द पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल इज 160 मीटर पैरीमीटर कि 160 लेंथ कि है हूँ ध्यान देखना एक लाइन लिखी हुई है द लेंथ इज 20 मीटर मोर दैन विड्थ जिहड़ी लेंथ है ना वह विड्थ तो ना 20 मीटर ज़्यादा हैगी है ठीक है लेंथ 20 मीटर मोर दैन विड्थ ठीक है हूँ एरिया पूछा ठीक है पिछले क्वेश्चन विच कल्ली लेंथ दित्ती सीगी आपने ब्रैथ कढ़ी फिर मल्टीप्लाई करके एरिया कढ़िया इस बार लेंथ नहीं दित्ती इस बार क्या है जिहड़ी लेंथ हैगी ना वह 20 मीटर ज़्यादा हैगी है ब्रैथ नालो ठीक है तो आप करना की है देखो एक्स प्लस 20 मीटर यस और नो क्लीयर क्योंकि लेंथ 20 मीटर ज़्यादा सी इस बार लेंथ भी नहीं दिता बस एक होर स्टेटमेंट देती कि लेंथ 20 मीटर ज़्यादा है तो आपने एक्स प्लस 20 करता पैरीमीटर कितना है अपने को पैरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कि इक्वल आएगा 160 दे टू थले डिवाइड हो जाएगा मैं ये कह सकता एल प्लस बी कि आ जाएगा 160 बाय 2 80 एल प्लस बी कि आ गया अपने को 80 आ गया हूँ वैल्यूज इक्वल टू 80 आ 2x हो जाएगा वी उधर जाके माइनस हो जाएगा 80 चो वी घटा दो 60 x की वैल्यू कितनी आएगी 60 बाय 2 30 x की वैल्यू 30 आ गई जे x मेरे को 30 मीटर आ गया ठीक है x की वैल्यू मेरे को 30 मीटर आ गई तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 30 मीटर लेंथ कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 50 मीटर हूँ एरिया की आएगा अपने को लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 50 1500 मीटर स्क्वायर क्लीयर ठीक है तो जे इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ लेंथ इन्ने मीटर ज़्यादा है जे लेंथ घट होंगी तो आप एक्स माइनस 20 करते जे लिखा होंगे लेंथ इज 20 मीटर लैस दैन ब्रेथ तो आप एक्स माइनस 20 करते मोर हैगा तो प्लस करता लैस होएगा तो माइनस कर देंगे इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है। सिक्स क्वेश्चन द लेंथ ऑफ रैक्टेंगल इज 5 मीटर मोर दैन इस विड्थ अगेन वही चीज़ देती इफ द एरिया ऑफ रैक्टेंगल इज 750 स्क्वायर मीटर फाइंड इट्स पैरीमीटर हूँ क्या किया स्टेटमेंट सेम है पिछले क्वेश्चन से लेंथ 20 मीटर ज़्यादा सी इस क्वेश्चन से जिहड़ी लेंथ है वो 5 मीटर ज़्यादा हैगी ब्रैथ नालों ठीक है अगेन आप ब्रैथ नूं एक्स मान लेंगे लेंथ की हो जाएगी एक्स प्लस पिछले क्वेश्चन से सानू पैरीमीटर दिता सीगा तो उसकी हेल्प नाल आपने एक्स कढ़िया इस क्वेश्चन से सानू पैरीमीटर नहीं दिता इस क्वेश्चन से सानू एरिया दिता कितना 750 स्क्वायर मीटर ठीक है तो एरिया की होंगे एरिया का फॉर्मूला किदा इक्वल है 750 मीटर स्क्वायर एक्स प्लस 5 ब्रेथ हैगी है एक्स इक्व टू 750 आपने पैरीमीटर पता करना है ठीक है तो पहले इस सॉल्व कर नहीं तो तुम एक काम करो ए क्वाड्रेटिक बन जाएगी सो आ जाएगा 750 इधर माइनस करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी इवें सॉल्व ना करो एक चीज होंगी है जिन्हों कंसेंस कहते हैं ठीक है कॉमन सेंस का यूज़ करना आता सारे ठीक जे तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है भावें गवर्नमेंट क्लर्क ही बनना है तो इन्ना दिमाग क्लर्क विच भी होंदा है ठीक है किन्ना दिमाग देखो इस पासे है क्लीयर दो नंबर का प्रोडक्ट किन्ना है 750 कोई ऐसे दो नंबर जिन्हों का प्रोडक्ट 750 हो एक नंबर दूजे तो सिर्फ 5 ज़्यादा हो उरे एक्स प्लस 5 है उरे एक्स हैगा दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि लेंथ इंटू ब्रैथ एरिया होंगे एरिया 750 दिता दो नंबर मल्टीप्लाई करके 750 आना चाहिए तो एक नंबर 5 ज़्यादा होना चाहिए दूजे तो सिर्फ एको ही चीज़ सैटिस्फाइड करेगी 25 × 30 25 × 30 75 जीरो नाल लाग देंगे 25 × 30 कितना हो जाएगा 750 ठीक हैगा 25 तो क्लीयर तो मैं इवें लिख सकता
225 इक्वल्स टू 70, ठीक है। क्यों? आ देखो, आ 30 नू तुसी ओपन करोगे, जे मैं आ 30 नू ओपन करा, गलता सेम होगी, x x ब्रैकेट च x प्लस 5, इट मीनस x दी वैल्यू की हैगी है 25 हैगी है, तो सॉल्व करने की लोड़ नहीं सी, कॉमन सेंस आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लेंथ अपने को कितनी आई हैगी है 30 मीटर, ब्रेथ कितनी आई है अपने को 25 मीटर, तो पेरीमीटर की हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ 30 प्लस 25, ट्वाइस ऑफ 55 110 मीटर आ जाएगा, क्लियर। तो आप ये कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्वाड्रेटिक बना लेना, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक विच पता क्या, देखो टाइम वेस्ट होता है, एंड विच तुसी फैक्टरी बनाओगे 25-30 फैक्टर बनेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी, क्लियर। 25 पॉजिटिव बनेगा, 30 नैगेटिव बनेगा, तो वो काम क्यों करने अपने, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप सो समझ आ गया होना, इजी क्वेश्चन सीगा। सेवंथ, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2 एंड इट्स पेरीमीटर इज 20, ठीक है। हूँ ना रेशियो देती है लेंथ से ब्रेथ की, सो देती 3:2, तो मैं मान लेता लेंथ 3x, ब्रेथ कितनी मान ला, तो आप एक्स ना ले लेंगे ने, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी बट उसकी हेल्प ना आप एग्जैक्ट वैल्यू कट सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ में मैं 3x, ब्रेथ 2x मान लिया, पैरीमीटर कितना सीगा 20, इट मीनस ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी किस दे इक्वल है, एल प्लस बी कितना आ जाएगा 20/2 10 मीटर, एल दी वैल्यू 3x, बी दी वैल्यू 2x, उरे आ जाएगा 10 मीटर टू 10 मीटर 2 मीटर, 2 आ गई तो लेंथ दी वैल्यू कितनी आएगी 3:2 6 मीटर, ब्रेथ दी वैल्यू कितनी आएगी 2:2 4 मीटर, अपने कोल एरिया की आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 6:4 24 मीटर स्क्वायर, क्लियर। जस्ट वैल्यूज पुट कर दी, एक्स दी टर्म्स विच मनना हैगा, बिना एक्स लिते ना करना, गलती हो जाएगी, क्लियर। तो एक्स दी टर्म्स विच लिता, एक्स कंपेयर किया, एक्स दी वैल्यू आ गई, पुट करके अपना आंसर आ गया, क्लियर। अपने को द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:3 इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240, ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हूँ इन्होंने एरिया देता, पेरीमीटर पता करना, पिछले क्वेश्चन से पेरीमीटर दिता सीगा, एरिया फाइंड करना सीगा आपने, ठीक है। अगेन एक्स दी टर्म्स विच मानना है कि इतनी कर देने काफ़ी कैंडिडेट, मैं लेंथ नू मान लिया 5x, ब्रेथ नू एरिया की होंगे लेंथ इंटू इक्वल गिवन है ही, गलती कर देंगे जे तुसी एक्स नहीं मनोगे तो उरे कला 15 आएगा, ठीक है। नाल आपने एक्स एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया क्या होता लेंथ इनटू ब्रेथ, उरे भी एक्स उरे भी एक्स, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो उरे एक्स स्क्वायर दी आएगी डिवाइडेड बाय 15, ये 16 से कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू की आएगी रूट ऑफ 16, क्योंकि एक्स स्क्वायर 16 के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू रूट 16 प्लस द 4 लवेंगे आप, ठीक है, मीटर बच्चे, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। जे तुसी एक्स नहीं मनोगे तो थोड़े को यूनिट नाल कंपेयर करोगे, कई बच्चे होंगे यूनिट यूनिट नाल सॉल्व कर लेंगे, जे तुसी यूनिट यूनिट सॉल्व करके देखोगे तो थोड़े को एक यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी, उत्थे गलत आंसर आएगा, उरे एक्स स्क्वायर हैगा, ठीक है। तो एक्स लेके करना है, जो भी इस तरीके का क्वेश्चन करना है तुसी एक्स लेके ही करोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, लेंथ कितना आ जाएगा 5×4 5x है, तो ए आ जाएगा 20 मीटर, ब्रेथ कितना आएगा 3×4 12 मीटर, पेरीमीटर की आएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ 20 प्लस 12, ट्वाइस ऑफ 30 टू 64 मीटर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। इजी क्वेश्चन सीगा। हूँ नाइन्थ क्वेश्चन, अगेन हूँ नाइन्थ क्वेश्चन में आप ट्रिपलेट यूज करना सीखा, क्योंकि डायगनल पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल,
बिना फॉर्मूले से डायगनल किमें कटना हैगा तां इह शॉर्ट शॉर्ट ही हैगी है, फॉर्मूले से आप कट लाँगे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, तुसीं मैथड नाल कर लेना ठीक है, मैथड नाल भी उही आंसर आएगा। तो बैटर है आप शॉर्ट ट्रिक नाल करते हैं, जिहड़े ट्रिपलेट मैं लिखवाए सीगे स्टार्टिंग विच ओह उन्हां ट्रिपलेट की हैल्प नाल ही आप सॉल्व करांगे। क्वेश्चन की है, लेंथ किन्ना, लेंथ ते पैरीमीटर दित्ती हुई है 12 ते 34, ध्यान नाल देखो लेंथ किन्ना दित्ता होया, ब्रेथ आपां पता नहीं ठीक है, पैरीमीटर किन्ना, पैरीमीटर हुंदा की है 34, इसकी वैल्यू किन्नी हैगी है, एक सैकेंड, इसकी वैल्यू आपां 34 गिवन है, आपां ने डायगनल पता करना, ध्यान नाल समझना, हुण ब्रेथ भी पता करन दी लोड़ नहीं है बट आपां करते हैं। आ देखो जे पैरीमीटर आपां नूं किन्ना गिवन है, लेंथ ते ब्रेथ दा सम किन्ना आ गया अपने कोले 17, लेंथ किन्नी है, पांच मीटर आ जाएगी, तो ब्रेथ कोले आ गया 5 मीटर, ब्रेथ आपने कट लिया 5 मीटर। याद रखना एक ट्रिपलेट हुंदा हैगा, मैं लिखवाया सीगा 5, 12 ते 13, 5, 12 ते नाल केड़ा आंदा है ट्रिपलेट 13, मतलब 13 की होएगी हाइपोटेनियस, इसका मतलब जो मैं रैक्टेंगल बनाऊंगा, आ देखो जो मैं रैक्टेंगल बनाया लेंथ अपने को 12 हैगी है, आ 5 हैगी है ठीक है, डायगनल आही होएगा अपने को आ पॉइंट तो लेकर आ पॉइंट तक का डिस्टेंस ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यह रैक्टेंगल नहीं बन गई, 5, 12 के नाल केड़ा आएगा 13 आ जाएगा, तो डायगनल की हो जाएगी अपने को, डायगनल इज इक्वल टू 13 मीटर ठीक है, सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर आ जाएगा, क्लियर 13 mm ठीक। तो जे ट्रिपलेट याद है तो फॉर्मूला लगाने की लोड़ नहीं पड़ेगी, फटाफट आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन से चलते, अगले क्वेश्चन से इन्ना भी करने की लोड़ नहीं पड़ेगी, साडा आंसर आ जाएगा पहले ही ठीक है। 10th क्वेश्चन, द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ रैक्टेंगल इज 28 and 48 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स डायगनल। देखो थानू दो चीज़ा दिती हुई है, पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होंगे, एरिया किन्ना होंगे, एल इन टू बी, ए किन्ना दिता हुआ 48 meter square। तो जे एल प्लस बी थोड़े को 28 हैगा तो एल इन टू बी किन्ना हैगा 48, अपने की पता करना डायगनल, आपने पता करना हैगा डायगनल। हुण ध्यान नाल देखना, ना मैं एल कढूंगा ना मैं बी कढूंगा, मैं सीधा ट्रिपलेट देखदा किहड़ा ट्रिपलेट लगेगा ठीक है, भावें तुसीं आप देख लेना ओह आएगा। देखो आह रैक्टेंगल हैगा मेरे को, आह लेंथ है, आवली चीज़ डायगनल होएगी ठीक है। डायगनल हुंदी की है, एक राइट एंगल ट्रैंगल थी, जे मैं आ राइट एंगल ट्रैंगल कंसीडर करता ए बी सी, जे मैं राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी कंसीडर करा तो यह जी डायगनल है वह की हैगी है, हाइपोटेनियस ठीक है, आ जी डायगनल हैगी हाइपोटेनियस है ट्रैंगल ए बी सी का, इट मीनस लेंथ ते ब्रेथ हैगी है आपने हाइपोटेनियस। पूरे देखो थानू लेंथ भी पता करन दी लोड़ नहीं है, ब्रेथ भी पता करन दी लोड़ नहीं है, डायरेक्ट एरिया वाले फॉर्मूले ते आओ ठीक है। एरिया वाला फॉर्मूला देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ गुना ब्रेथ इक्वल टू 48 meter square ठीक है। मैनू ये दसो, अगेन आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, मैनू एक गल दसो कि केड़े ऐसे दो नंबर ने जिन्हों मल्टीप्लाई करा तो 48 आएगा, तो वह दो नंबर जिहड़े मैं ट्रिपलेट लिखवाए थे वो ट्रिपलेट विच भी होने चाहिए ने ठीक है। तो 48 नूं क्या मैं इवें नहीं लिख सकता 8 × 6 = 48 होंगे, ये सुनो, इट मीनस जां तां लेंथ 8 होएगी ब्रेथ 6 हो जाएगी, या फिर लेंथ 6 होएगी ब्रेथ 8 हो जाएगी, आपां नूं नहीं पता लेंथ की होएगा ब्रेथ की होएगा, पर होएगा किहड़ा 8 ते 6 दा पेयर ही होएगा, क्लीयर। जे तुसीं 8 × 6 = 14, 14 × 2 = 28 प्रूफ हो जाएगा, क्लीयर, सैटिस्फाइड कर जाएगा। मैंने की किया एरिया 48 सीगा, एरिया दे जस्ट टोटे कर ले 8 × 6 लिखता, तो जां तां लेंथ 8 होएगी ब्रैथ 6 हो जाएगी, जब ब्रैथ 8 होएगा लेंथ 6 हो जाएगी। मैनूं ये दसो 6, 8 दे नाल जिहड़ा ट्रिपलेट यूज हुंदा हैगा तीजा नंबर किहड़ा आएगा, 6, 8 दे नाल तीजा नंबर किहड़ा हुंदा हैगा 10 ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता
कि 10 उरे होएगा, इट मीन्स डायगनल की आ जाएगा अपने को 10 आ जाएगा, बोले 10 मीटर, दैट्स इट। की लोड़ है सॉल्व करने की, पहले लेंथ कड्डो उत्थे पुट करके, ब्रेड्थ कड्डो, एक इक्वेशन बनाओ, ठीक है, मतलब बिना गल दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की लोड़ नहीं है, तुसी ट्रिपलेट यूज़ कर लो ना यार, ट्रिपलेट यूज़ कर लो, मैं पहला लेंथ नू एक्स मन्ना फिर मल्टीप्लाई करा ये करा वो करा, वो काम अपने तो वैसे भी नहीं होंगे, ठीक है, करने की लोड़ भी नहीं है, क्लीयर। सिंपल ट्रिपलेट बनाओ, यूज़ करो, नंबर लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो तुसी प्रैक्टिस करोगे बुक विचों, किसी भी बुक विचों करना, प्रीवियस ईयर करना, ठीक है, मैं सजेशन कोई बुक रिकमेंड कर रहा, कितों भी करोगे क्वेश्चन जो डायगनल दा आएगा तुसी इसी के नाल करना, आंसर थोड़ा ठीक ही आएगा, बस ट्रिपलेट याद रखना जेडे स्टार्टिंग विच मैं लिखवाए सीगे, ठीक है। चलते आप अज दे लास्ट क्वेश्चन ते, यह हैगा सब तो वधिया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर दा आया होया, तो इस क्वेश्चन नू भी आप ट्रिपलेट की हैल्प नाल करांगे, पूरा पूरा कोई नहीं सॉल्व करना, मेरे तो उम्मीद भी नहीं रखना मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन की कह रहा है, राहुल ट्रैवल अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ रैक्टेंगल ग्राउंड एंड रीचिज फ्रॉम ए टू कॉर्नर सी। पहला आप रैक्टेंगल बना लेंगे ने, अपने को एक रैक्टेंगल हैगा ए बी, की कह रहा है राहुल जेड़ा हैगा बाउंड्री दे अलोंग जा रहा हैगा, ठीक है, रैक्टेंगल ग्राउंड रीचिज कॉर्नर ए टू कॉर्नर सी, मतलब राहुल पहला उरे सीगा, ठीक है, वो ना बाउंड्री दे अलोंग जा रहा है, इवें जा रहा है, ये जड़ी नीली वाली लाइन हैगी है, राहुल इवें ट्रैवल कर रहा है, उरे आ गया राहुल, ठीक है। इन 15 सैकेंड्स आप राहुल लिख लेंगे ने, राहुल का टाइम कितना हैगा 15 सैकेंड, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 68 मीटर पर मिनट, स्पीड कितनी है 68 मीटर पर मिनट, ठीक है 68 मीटर पर मिनट। उस तो बाद अगला पॉइंट की लिखा है, सोनिया रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी डायगनली इन 15 सैकेंड, ठीक है। सोनिया ने की किया, वो भी पॉइंट ए तो पॉइंट सी गई है, बट वो की गई है, सोनिया डायगनली गई हैगी, तो उरे आप सोनिया का लिख देंगे डाटा, ठीक है। सोनिया नू कितना टाइम लग्या 15 सैकेंड, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 52 मीटर पर मिनट, सोनिया की स्पीड कितनी 52 मीटर पर मिनट। फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रैक्टेंगुलर ग्राउंड, लेंथ पता करनी है, ब्रेथ पता करनी, एरिया पता करना, डायगनल तो डायगनल भी दस देंगे आप, ठीक है, तो किवें करना है। सब तो ये देखो राहुल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आ चीज़ हैगी है लेंथ, उरे आप लेंथ ब्रेथ, मतलब राहुल ने की ट्रैवल किया, एक ब्रेथ ट्रैवल किया, एक लेंथ ट्रैवल किया। सोनिया ने की ट्रैवल किया, आ की हैगी है डायगनल, सोनिया ने की ट्रैवल किया, डायगनल ट्रैवल किया, डायगनली ट्रैवल किया। तो सब तो पहले तो डिस्टेंस पता कर लो कि राहुल ने ब्रेथ प्लस लेंथ कितना आया तो डायगनल कितना आया, क्लीयर, आप देख लेंगे ने, तो दिता स्पीड दिती है, डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस क्या होंगे स्पीड गुना टाइम, राहुल की स्पीड कि 68 मीटर पर मिनट, तो टाइम कि 15 सैकेंड। हुण एक गल याद रखना, उरे की हैगा मिनट, उरे की हैगा सैकेंड, आपां नूं सार यूनिट ना की करनी पएगी, सेम रखनी पएगी, इवें आपां नहीं सॉल्व कर सकते कि हाँ 68 नूं 15 नाल मल्टीप्लाई करता, यूनिट सेम रखनी पएगी तुहानूं। तां मैं की करदा हैगा, आ मिनट नूं सैकेंड च कन्वर्ट कर लैंदा, मिनट नूं सैकेंड च कन्वर्ट करने लई 60 नाल गुणा करांगे तां उरे आ जाएगा 60 सैकेंड, मिनट की जगह मैंने 60 सैकेंड लिखता, ठीक है, उरे तां मीटर हैगा ही है 15 सैकेंड, आ सैकेंड नाल सैकेंड कट गया, 15 दे टेबल ते जाएगा 4, 4 दे टेबल ते जाएगा 17, तो आ कितना आ जाएगा 17 मीटर, ठीक है। सोनिया का सॉल्व कर लेंगे डाटा, इहदा डिस्टेंस की आएगा स्पीड इनटू टाइम, सोनिया की स्पीड कितनी है 52 मीटर पर मिनट, अगेन इसनों भी सैकेंड च कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 60, हाँ सैकेंड आ जाएगा, इनटू सोनिया का टाइम 15 सैकेंड, देखो आ सैकेंड नाल सैकेंड कट गया, 15 दे टेबल ते कट जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 दे टेबल ते कट जाएगा ये 13, ये दा डिस्टेंस, ओके, तेरह मीटर, ठीक है।
सोनिया का डिस्टेंस किया आया 13 मीटर, राहुल का डिस्टेंस किया आया 17 मीटर। हुण आपने की पता करना लेंथ ब्रेथ एंड एरिया। सोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 13 मीटर, तो सोनिया गई किवें हैगी है डायगनली, सोनिया डायगनल थ्रू गई है, तो मैं ये कह सकता डायगनल कितनी आएगी 13 मीटर आ जाएगी। हुण ट्रिपलेट को ले जाओ, जिहड़े मैं ट्रिपलेट लिखवाए सीगे वो देखो, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, तुसीं मना नहीं कर सकते, ठीक है कि हाँ अपने वालों क्वेश्चन बनाया। डायगनली वो किन्ने गई 13 मीटर, किहड़े ट्रिपलेट विच डायगनल 13 हैगा, तो एको ही ट्रिपलेट हैगा जिहदे विच मैं लिखवाया सीगा 5 12 13, ठीक। मतलब जे डायगनल 13 होवे नहीं आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो 12 + 5 किन्ने होंगे ने 17, तो राहुल ने डिस्टेंस भी कितना ट्रैवल किया 17 डिस्टेंस ट्रैवल किया, 12 + 5 = 17 मीटर होंगे ना, तो आ 17 मीटर आ जाएगा ऑटोमैटिकली आ जाएगा। कोई क्वेश्चन लाने की लोड़ नहीं है कि हाँ रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्व टू 13 तो सोल्व करो फिर लेंथ कटो ब्रैथ कटो, कोई कड़ने की लड़ नहीं है। या 13 के नाल किहड़े दो चीज़ा मैच होंगे ने, एक 5 तो एक 12, आ 5 आ गया आ 12 आ गया, इट मीनस थोड़े को लेंथ आ गई 12 ब्रैथ आ गई 5, ठीक है। सठ मीटर स्क्वायर, दैट्स इट अपना आंसर क्लीयर। तो जस्ट आपू ट्रिपलेट पता होने चाहिए कि ट्रिपलेट किवें यूज करना, ये ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रैंगल मैंने करवाए थे, तो ही मैं थोड़ा बार बार कह रहा कि तुम पिछली वीडियोज़ भी नाल नाल देख लो, जो तुम नवे सिरे तो वीडियो देखोगे। हूँ जो मान लो रैक्टेंगल का दूजा पार्ट आ गया, ठीक है पहला पार्ट तो इन्ना ही सीगा कंप्लीट हो गया, जो दूजा पार्ट आ गया दूजे पार्ट तो स्टार्ट करोगे की समझ आएगा, तो करके मैं कह रहा स्टार्टिंग तो वीडियो देख लो, एक बार देख लो कंप्लीट समझ आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंसैप्ट नहीं रहेगा मेंसुरेशन का, ठीक है। तो मिलते हैं आप इस सेकंड पार्ट विच, ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।